परमवीर चक्र विजेता सीरीज के छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के छठे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की, जिन्होंने 1961 अफ्रीका के कांगो में गृह युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के एक मिशन के तहत हिस्सा लिया। वहां एक समय युद्ध के दौरान भारतीय सेना के मात्र 16 सैनिकों के सामने बेल्जियम के 100 से अधिक सैनिक थे। तब भारतीय सैनिकों की कमान संभाल रहे कैप्टन गुरबचन सिंह ने इन्हीं सैनिकों की मदद से बेल्जियम के 40 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसे उस युद्ध में जीत मिली। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी। गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म 29 नवंबर 1935 को पंजाब के सकरगढ़ जिले के जनवाल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशीराम सैनी और माता का नाम धन देवी था। वह अपने माता पिता की 5 संतानों में दूसरे नंबर की संतान थे। उनके पिता मुंशीराम सलारिया ब्रिटिश इंडियन आर्मी की डोगरा स्क्वाड्रन हडसन हाउस में नियुक्त थे। गुरबचन अपने पिता के बहादुरी के किस्से सुनते सुनते ही बड़े हुए, और फिर क्या, इस बहादुरी की छाप तो गुरबचन पर पड़नी ही थी, तो उन्होंने भी अपने पिता की तरह फौज में जाने का मन बना लिया। गुरबचन सिंह फौज में जाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगे। उस समय गुरबचन सिंह की उम्र महज 11 वर्ष थी। तभी उन्हें 1946 में बेंगलोर के किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश मिल गया। 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद तो हो गया, लेकिन इसके दो टुकड़े हो चुके थे। बंटवारे के समय इनकी जन्मभूमि सकरगढ़ भी पाकिस्तान में चला गया। इन सब के बीच फौजी बनने का सपना पाले गुरबचन सिंह ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और उसी किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री कॉलेज की जलंधर शाखा KGRMC में ट्रांसफर ले लिया। मात्र 18 वर्ष की आयु में गुरबचन सिंह ने 1953 में NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास की। गुरबचन में एक खास बात थी कि वह अपने आत्मसम्मान के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करते थे। बेहद शांत स्वभाव वाले गुरबचन को NDA की ट्रेनिंग के दौरान एक लड़के ने परेशान करने की कोशिश की, लेकिन आत्मसम्मान को लेकर सचेत रहने वाले गुरबचन भी कहाँ शांत रहने वाले थे। सामने वाला लड़का कदकाठी से मजबूत था, फिर भी गुरबचन सिंह ने उसे बॉक्सिंग के रिंग में मिलने की चुनौती दे दी। तय समय पर मुकाबला शुरू हुआ। सभी को यही लग रहा था कि गुरबचन सिंह हार जाएंगे, लेकिन रिंग के अंदर जिस मुस्तैदी से गुरबचन सिंह ने उस लड़के पर मुक्कों की बरसात की, वह लड़का चारों खाने चित हो गया और अंत में जीत गुरबचन सिंह की हुई। साल 1956 में NDA में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन की। IMA में अपनी एक साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद साल 1957 में उन्हें 3rd गोरखा राइफल्स की 2री बटालियन में शामिल किया गया, और साल 1960 में उन्हें 1st गोरखा राइफल्स की 3री बटालियन में स्थानांतरित कर कैप्टन बनाया गया। अब समय आ गया था जिसके लिए कैप्टन गुरबचन सिंह का जन्म हुआ था। वर्ष 1960 से पहले कांगो पर बेल्जियम का राज हुआ करता था। जब कांगो को बेल्जियम से आज़ादी मिली तो कांगो दो गुट में बट गया और वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। एक तबका कांगो के खनिज पदार्थों पर एकाधिकार चाहता था, जिस पर पश्चिमी जगत के कुछ देशों की भी नज़र थी। इस समस्या से निपटने के लिए कांगो सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी और संयुक्त राष्ट्र ने एक सैन्य टुकड़ी कांगो में भेज दी। पश्चिमी जगत के व्यापारी और कांगो के अलगाववादी नेताओं को यह बिल्कुल रास नहीं आया। समय के साथ कांगो के हालात और बिगड़ते गए। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत से सैन्य मदद मांगी। भारत ने कांगो में शांति और स्थिरता के लिए अपने 3000 सैनिक UN के झंडे तले भेज दिए। इन सैनिकों में कैप्टन गुरबचन सिंह भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ कांगो में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन दुश्मनों के नापाक मंसूबों की वजह से उसे अपनी कार्रवाई और तेज करनी पड़ी। 5 दिसंबर 1961 को दुश्मनों ने एयरपोर्ट और संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय मुख्यालय की तरफ जाने वाले रास्ते एलिजाबेथ विले को चारों ओर से घेर लिया, जिसमें 100 से अधिक दुश्मन सैनिक 2 बख्तरबंद वाहनों के साथ मुस्तैद थे। इन दुश्मनों को हटाने के लिए गोरखा राइफल्स के 16 सैनिकों की टीम को रवाना किया गया, जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। देखते ही देखते मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। मौका देखते ही गुरबचन सिंह ने रॉकेट लॉन्च करने का आदेश दे दिया, जिसके वार से दुश्मन के दोनों बख्तरबंद वाहन नष्ट हो गए और साथ ही उनके कई जवान घायल हो गए। दुश्मन संख्या में अधिक थे, साथ ही वह स्वचालित हथियारों से भी लैस थे। एक बार को तो इन्हें रोक पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन कैप्टन गुरबचन सिंह ने दुश्मनों के 40 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कैप्टन के इस जज्बे और हिम्मत को देखकर दुश्मन दंग रह गए और मौका मिलते ही दुश्मन वहां से भाग खड़े हुए। गोरखा राइफल्स इस लड़ाई को जीत चुकी थी, लेकिन दुश्मन की 2 गोलियां कैप्टन गुरबचन सिंह के गले में लगी थी। गुरबचन सिंह ने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था
लेकिन अपनी जिंदगी के आगे उनकी एक न चली और मात्र 26 साल की छोटी सी उम्र में वो शहीद हो गए। 26 जनवरी 1962 को कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को अदम्य साहस और शौर्य के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये कहानी थी भारत के छठे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य का पालन किया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। परमवीर चक्र विजेता सीरीज का एक भी एपिसोड मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।